अब एक्सटेंशन का वाला मामला है यानी आईनी तरही का और उस और उसमें नंबर्स गेम भी इन्वॉल्व है मौलाना ने आज कहा कि हम एक्सटेंशन की फेवर में नहीं हैं नंबर्स uh, तो गवर्नमेंट कह रही है आज अंसार अबासी साहब की स्टोरी है कि उनके पास पूरे हैं लेकिन अगर एक्सटेंशन यानी एज बढ़ाने के ऊपर आते हैं तो शायद मौलाना साथ ना हो मुझे जट साहब लगता है कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने रूम भी छोड़ा है हो सकता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आएँ ये भी करें और फिर उसके बाद बात करके आसमा मैं न थोड़ी सी बैक हिस्ट्री से आकर ना मैं फिर एंड में इसे पिक करूंगा पहले तो नौ मई आ जाए ना नौ मई से पहले यहाँ पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दो का बयानियाँ लेकर और सरज़मी पाकिस्तान पर दनदनाते हुए आए बड़ा क्राउड जी मिनारे पाकिस्तान हेलीकॉप्टर आ रहा है जा रहा है कबूतर चौथी बार का वज़ी अजम स्टेज पर रोना दोना वो पूरा दुनिया ने देखा नौ अपना बयानिया छोड़ा वोट को इज्जतों का बयानिया दफन किया दफन करके नौ मई के बयानिए इलेक्शन लड़ा और आवाम ने ठीक नौ तारीख को ही इनको जवाब दिया और जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त असम्बली नेशनल असम्बली में जमाते बैठी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 92 सीट्स के साथ इसमें आई 92 सीट्स लेकर इसमें आई, ठीक ठीक थी? है है जी लेकिन क्या और, वो, वो और वो और था अमल जो नौ मई को हुआ था जो अटैक्स हुए थे मैं, मैं इधर बताता आपको नौ. हैं मई के बानिए के बाद जो इन लोगों ने जुल्म और जबर ढाया आप इसे अंडोज करती है नहीं। जो शिद्दत जो तकालीफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खातिन उनकी फैमिली उनकी के साथ हुआ

और फिर ठोक के बताया कि इस तरह ठोकते हैं फिर वहां पर इनका बयानिया दफन हुआ हम नाइन टू सीट के साथ यहाँ पर आए उसके बाद आने के बाद अब भी चलें अब मैं बीच में से थोड़ा सा स्किप करता पार्लियामेंट के साथ जो और और सितम और जबर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा हम इसे सने पार्लियामेंट दस सेप्टेम्बर को ये ब्लैक डे इंशाल्लाह जिंदगी जब तक जिंदा है और हम आईजी आईजी आई वफाक को मैं आपके प्रोग्राम में कि जिस ताकत के साथ तुम हमारी पार्लियामेंट में घुसे हो तुम्हें इसका हम ठोक के जवाब देंगे इसकी शब्द होनी चाहिए अब... अगर नहीं जो हम जो इसकी इंक्वायरी उसकी भी, भी हम करेंगे हमने फ्लोर हाउस पे कहा और इन कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इवान में घुसकर एमएनएस एम एन एस को मार पीट कर लेकर जाना इस पर हम आई पंजाब को आई जी वफाक को बताते हैं तुम्हें बताएंगे जवाब देंगे कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस की नंबर वन अब आ गई आईनी तरामीम शर्म से डूब मर जाना चाहिए खुदा की कसम जो हालात इन्होंने इकतालीस एम एन हमारे वो जो जिन लोगों के पास अपना जिनको अभी जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी थी उनका जीना आराम करके रख दिया उनके ऊपर जी आप कह रहे रहे हैं दबाव डाल दबाओ खुदा आसमा किसी की फैमिली में घुस जाना उसकी बेटी को उठा ठालाना उसकी बीवी को उठा और कहना कि अपने शौर को फोन करके कहो कि हाजिर हो नहीं तो तुम्हारा शर अच्छा। ये हालात पैदा करके ये कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और हाँ दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हम जुडिशल रिफॉर्म्स के हक में हैं ए टू जी हम ऊपर से नहीं हम समझते हैं कि जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, जो वहां के हालात हैं, आ, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है हाई कोर्ट को भी एड्रेस करने की जरूरत है हाई कोर्ट का मुतालबा करते हैं कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट तो मतलब उन्होंने हम, तो हम उसमें जाएंगे रिफॉर्म के हवाले से अगर अगर ये नहीं की पैंसठ चार सौ सत्ताली अब आप लेना अपनी ठंड पड़ गई है ठीक है अब आप जो कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा ठीक है जी आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से बात की ठीक है सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन जो है ना सिक्सटी सेवन एज पे वैसे ही बंदे के दांत हिले होते हैं तो ये मजाक पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा